स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है नमाज, खोल दिए गए हाथों से कलावे। बच्चों ने स्कूल के अंदर होने वाली गतिविधि को लेकर बता दी ये बात, जिसे सुनकर माँ बाप की आंखें गुस्से से हो गई लाल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और समझिए धर्म और विद्या के बीच का पूरा युद्ध। ये मेरी बेटी है, उसको जस्ती नमाज पकड़ाई गई। हम यहां से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं, अगर इस स्कूल पे ताला भी लगेगा बुलडोजर भी चलेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित BLS स्कूल में बच्चों को नज्म की प्रैक्टिस कराना स्कूल प्रशासन को महंगा पड़ गया। परिजनों ने हिंदूवादी नेताओं के साथ मिलकर स्कूल स्टाफ का विरोध शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन स्कूल के गेट पर स्कूल प्रिंसिपल का शराब पीते हुए फोटो लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। प्रदर्शन कर रहे परिजनों की मांग है कि जिला अधिकारी मौके पर आकर स्कूल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। परिजनों का आरोप है कि हमारे बच्चों के हाथों से कलावे हटा दिए, बच्चों को मेहंदी पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद बुर्का पहनाकर फातिया पढ़ाया जा रहा है। आज सुबह परिजनों के गुस्से ने आंदोलन का रूप ले लिया और स्कूल के गेट पर तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करने में जुट गए। परिजनों के साथ साथ हिंदूवादी संगठन स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जो कि BLS नाम से चल रहा है यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, सामाजिक सौहार्द के नाम पर कलावा बांधने की इजाजत नहीं है, टीका लगाने की भी इजाजत नहीं है, सरस्वती पूजा की भी इजाजत नहीं है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षकों को बुलाकर विदेशी फंडिंग के बल पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को, छोटे छोटे बच्चों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर खड़ा करके, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना करके जो फतीहा पढ़वाया गया, जो नमाज अदा करवाई गई, जिस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए और धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़वाई गई, इस ये जो कुकर्म किया गया इस स्कूल में, ये बिल्कुल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्कूल पे ताला भी लगेगा, बुलडोजर भी चलेगा और तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक मुख्यमंत्री जी तक यहाँ से हमारी आवाज नहीं पहुंच जाती। हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम हट जाएंगे, हमारा खाना भी यहाँ आ जाएगा, हमारा पानी भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस स्कूल का गेट तभी खुलेगा, अभी बच्चे अंदर हैं, सिर्फ बच्चों को निकलने के लिए तो खुल सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चे अंदर दोबारा तभी जाएंगे जब इस स्कूल पे परमानेंट ताला लग जाएगा। और गर्मी में कल की घटना हुई है कि बच्चों को भरी धूप में 44 की टेम्परेचर पर नमाज फातिमा जैसी चीजें यहाँ दर्शाई गई हैं, तो उस चीज का हम लोग विरोध करते हैं कि भाई हिंदू स्कूल है, हिंदू राष्ट्र है, आप हमारे बच्चों को कौजी तहजीब दे रहे हो भाई? क्या किसी मदरसे में जाके क्या ओम सप्तक का या गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है? और भाई क्यों सिखा रहे हो? क्या आपके बच्चों को और भी फाउंडेशन लगाई जाती है? जैसे कल बताया गया कि बच्चों से कलाई कटवाई गई है कि आप कलाई नहीं, कलाई को बोला गया है कलर धागा, आप कलर धागा नहीं पहनोगे, ये कलर धागा है, हम हिंदू हैं, हमारी पहचान है चोटी, हमारी पहचान है तिलक, हमारी पहचान है कलावा, और आप इन तीनों चीजों को उतरवाना चाह रहे हो? हंगामे के दौरान हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने स्कूल स्टाफ को रोकने की कोशिश की तो हाथरस गेट पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद रही। इसी बीच दीपक शर्मा और हाथरस गेट पुलिस के बीच काफी देर तक नोक झोंक होती दिखाई दी। सारे मामले में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रिंसिपल का फोटो वायरल हो रहा है, वो फोटो काफी पुराना है। वहीं
प्रेयर रिहर्सल के दौरान का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद स्कूल प्रशासन द्वारा प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। नमस्कार, संदेश है बीएलएस परिवार की तरफ से, ये जो भी आज कार्रवाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो स्कूल की केवल एक छवि खराब करने के लिए किया गया। स्कूल से इसका या स्कूल से प्रबंधन से इसका कोई भी लेना देना नहीं। जो भी सोशल मीडिया पे हमारे प्रिंसिपल जो कि पहले थी, उनको अभी निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंशन दे दिया गया है और उस पर गतिविधियों पर कार्रवाई चल रही है। जो भी उनकी फोटोग्राफ्स अपलोड हुई है वो उनकी बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स है, तो कृपया इन सब चीजों पे ना जाए। स्कूल के बाहर हुए हंगामे पर जिला अधिकारी हाथरस अर्चना वर्मा ने अपने संज्ञान में लिया। इस बारे में उन्होंने तुरंत एक टीम गठित करने का आदेश देकर जांच प्रक्रिया शुरू कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।